कभी भी परेशान टेक्नोलॉजी से भैया। तो नगर का नायक कौन होगा, न्यूज स्टेट लगातार हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। और इस वक्त की अगर हम बात करें तो आप आंकड़े स्क्रीन पर देख रहे हैं, 17 नगर निगम में बीजेपी 17 पर लीड कर रही है, जिसमें से कई के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। 5 सीटों की तकरीबन आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है और बाकी सीटों पर लीड कर रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का जादू दिखा है और वो जादू न सिर्फ नगर निगम बल्कि नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका में भी फैला है। तो नगर पालिका की बात करें तो 89 सीटों पर बीजेपी, बीएसपी 21, एसपी 34, कांग्रेस 6 सीटों पर यहां पर नजर आ रहे हैं। और नगर पंचायत अध्यक्ष की बात करें तो 203 पर बीजेपी, बीएसपी 40, एसपी 85, कांग्रेस 9 सीटों पर शहर की सरकार में सख्त आ गया है। तो नगर निगम में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया है और क्लीन स्वीप किया है। तो जीत का जश्न भारतीय जनता पार्टी मनाएगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे बीजेपी कार्यालय शाम को और उस दौरान जश्न मनाया जाएगा। तो 17 में 17 सीटें इस वक्त बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है। तो कुछ सीटों के परिणाम भी आ रहे हैं, वो भी आपको बताते चले। दादरी नगर पालिका से बीजेपी की गीता पंडित 5731 वोटों से चुनाव जीत गई है। बुलंदशहर गुलावटी नगर पालिका में भी कमल खिला है और वहां पर बीजेपी प्रत्याशी ने जीत हासिल की और आजादी के बाद पहली बार कमल खिला है। ये एक बहुत बड़ी खबर है वहां के लिए। बीजेपी उम्मीदवार शैलेश तेवतिया ने यहां पर जीत हासिल की है और शैलेश तेवतिया ने निर्दलीय प्रत्याशी काले को वहां पर हराया है। तो बुलंदशहर गुलावटी नगर पालिका में कमल खिल गया है और आजादी के बाद पहली बार यहां पर कमल खिला है। तो लगातार हर एक अपडेट न्यूज स्टेट आप तक पहुंचा रहा है, हर एक सीट की तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो निकाय चुनाव की हर एक अपडेट